दोस्तों नमस्ते। आज के सेशन में हम लोग थोड़ा लाइफ विदाउट गोल के बारे में जरा सोच के देखते हैं। इफ योर लाइफ इज विदाउट गोल, व्हाट पॉइंट इज देयर? क्या आपने भी कभी सोचा है कि आपके लाइफ में अगर कुछ गोल ही नहीं है, कुछ आगे जाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो कैसा करेंगे? सपोज यू आर इन मार्केटिंग, सपोज यू आर स्टूडेंट, सपोज यू आर यंगस्टर, या फिर आप थोड़े मिडिल एज में हैं, तो अगर लाइफ में आगे जाने के लिए कोई गोल ही नहीं रखा है आपने, तो कैसा चलेगा? मुझे बताइए, विल देयर बी एनी मोटिवेशन एट ऑल? कोई मोटिवेशन रहेगा या बस ऐसे ही चलता रहेगा हमारा? तो दोस्तों, चल भी कैसे सकता है एक्चुअली? आप सोच के देखिए कि आपके लाइफ में कोई गोल नहीं है, बस सुबह से लेकर शाम तक, सुबह ऑफिस में जा रहे हैं, शाम को घर को आ रहे हैं, ऐसा ही चल रहा है सालों साल, क्या मिलने वाला है इससे? एक स्टूडेंट हो, कुछ भी अपने सामने गोल नहीं रखा है, बस स्कूल में जा रहे हो, वापस आ रहे हो, यंगस्टर हो, कोई अपने लिए प्लान नहीं किया है कि बाद में क्या करना है, कैसा करना है, तो कोई ऐसे लाइफ में मीनिंग है क्या? तो दोस्तों, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, देर इज नो लाइफ विदाउट गोल। तो अपने गोल रहना ही चाहिए। आज हम लोग थोड़ा गोल सेटिंग के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन लाइफ में जो हमारे गोल्स है वो तीन चार प्रकार के गोल्स हो सकते हैं। पहला गोल्स है, वो है इंडिविजुअल गोल्स, पर्सनल कैपेसिटी में आपको क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। दूसरा है फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, आपकी फैमिलीज के लिए क्या गोल है वो आपको डिसाइड करना पड़ेंगे। आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, आपको घर बनाना है, उनके लिए करियर करना है, आपका अपना कुछ अच्छा करना है, उनका कोई अच्छा बिजनेस अगर है तो उसको बढ़ाना है, राइट? तो ये सब आपके फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके गोल हो सकते हैं। तीसरा प्रोफेशनल गोल्स, अगर आप जहाँ कहाँ पर भी काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं या फिर किसी अपना आपका बिजनेस है, तो वो किस तरह से बढ़ाना है, क्या करना है, इसके बारे में आपको सोचना ही पड़ेगा, उसके सिवा नहीं चलेगा। तो ये प्रोफेशनल गोल्स आपके लिए ज़रूरी है। एंड द लास्ट वन इज़ फॉर द सोसाइटी। आप सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हो? सपोज अभी आपने इंडिविजुअली अच्छा हो गया है, फैमिली आपकी सेट है, उसके बाद में आपका प्रोफेशनल लाइफ जो है वो भी अच्छा, काफ़ी मोर और लेस सेटल हो चुका है, तो नाउ इट्स टाइम टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो सोसाइटी के लिए अगर आपके पास में कोई अच्छे गोल्स नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा कि लाइफ जो है वो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि जिसको हम कहते हैं कि सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है, क्योंकि सोसाइटी के लिए आपने कुछ नहीं किया है तो देर इज नो मीनिंग। सोसाइटी ने आपको इतना कुछ दिया है, इट्स नाउ टाइम टू रिपे। तो आप ये चारों प्रकार के जो गोल्स हैं ये आपके लाइफ में रहना जरूरी है। अब बात ऐसी है कि जो भी प्रकार के गोल्स आप बनाना चाहते हैं, एज अ स्टूडेंट सपोज आपको कोई गोल्स बनाने हैं कि मुझे इतने परसेंटेज चाहिए या मुझे ऐसा ऐसा रैंक चाहिए, तो वैसे हैं आपके गोल रहना जरूरी है। अब गोल्स के बारे में पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि योर गोल्स शुड बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब क्लियर चाहिए कि मुझे इतने परसेंटेज चाहिए या मैं मेरा रैंक यहाँ यहाँ रहेगा। इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर आप बात करते हैं तो मेरा वेट जो है वो मुझे इतना कम करना है, एकदम क्लियर कट चाहिए आपका। प्रोफेशनल कैपेसिटी में तो मेरा इनकम जो है वो मुझे इस रेंज में चाहिए। सोशल आप करना चाहते हो, आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो आपके जो गोल्स चाहिए, गोल्स वो इस तरह से चाहिए कि हम लोग सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन मैं इस तरह के करूंगा, इतना मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा इसमें। तो इस तरह के स्पेसिफिक गोल रहना जरूरी है। द फर्स्ट पॉइंट इज योर गोल शुड बी स्पेसिफिक। अगर वो स्पेसिफिक नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, इट विल बी वेग। तो वेग गोल रखने में देर इज नो पॉइंट। दूसरी बात, योर गोल शुड बी इन राइटिंग। जब तक आप अपने गोल्स राइटिंग में लिखते नहीं हो, तब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट ही नहीं करता। एज सुन एज यू स्टार्ट राइटिंग देम ऑन द पेपर, जैसे ही पेपर पे चालू कर दोगे, आपका ब्रेन में वो रजिस्टर होना चालू हो जाता है कि यस, इसको ये करना है, ये इस तरह से आगे बढ़ना है, ये गोल्स अचीव करना है। तो जब तक हम लोग राइटिंग में नहीं रहेंगे, आप किसी को भी ले लीजिए, अनलेस एंड अनटिल योर गोल्स आर इन राइटिंग, यू आर नॉट गोइंग टू अचीव देम। वो स्पेसिफिक हो सकते हैं लेकिन एक बात आप क्लियर ध्यान में रख लीजिए, राइटिंग में गोल्स रहना जरूरी है। तीसरी बात, जो राइटिंग में के गोल्स है दे शुड बी प्रॉपरली डिस्प्लेड। वो आपकी आंखों के सामने ही चाहिए। अगर आपको 95% से ऊपर मार्क चाहिए तो
तो वो आप लिखिए उसको एक बड़े पेज पे, और वो पेज जो है वो ऐसी जगह पर चिपका दीजिए कि जहां पर आप उसे बार बार देख सकते हो, राइट। अब आखिर इसके आगे की बात, योर गोल्स शुड बी रीजनेबली आउट ऑफ योर रीच। आप ऐसे गोल्स आपके लिए चूज कीजिए कि जो थोड़े से आपकी रीच से बाहर, आप जिसको इजीली पा सकते हो। ऐसे गोल बनाने में क्या मतलब है, सपोज एज अ स्टूडेंट लास्ट ईयर यू स्कोर सम 85% मार्क्स। अब 85% मार्क्स अगर आपने ले लिए, अभी ये साल आपने बोला कि ऐसा करते हैं कि मैं 85% मार्क्स मेरे बरकरार रखूंगा, ये मेरा गोल है। भाई साहब आपने लास्ट ईयर कर लिया है ना, ये कुछ आगे चलते हैं ना। जैसे आप मार्केटिंग में हैं, तो मार्केटिंग में अगर है तो आपका लास्ट ईयर का जो टारगेट है वो आपका गोल कैसे हो सकता है। बहुत सारे लोग क्या है कि बहुत सेफ खेलते हैं, वो सेफ ऐसा खेलते हैं कि लास्ट ईयर का मेरा जो गोल था, मार्केटिंग वालों की बात करता हूँ, कि लास्ट ईयर का मेरा जो गोल था बस ये साल हम लोग ऐसा करने वाले हैं, मैं उतना तो मिनिमम पॉलिसीज करने वाला हूँ। अरे भाई कैसे करोगे, ये इंश्योरेंस वालों के लिए बात करता हूँ, जैसे मार्केटिंग में जो लोग रहते हैं इंश्योरेंस मार्केटिंग में, अब नहीं चलेगा ना भाई, लास्ट ईयर कर लिए है उतने, अब उससे आगे ही जाना पड़ेगा। द पॉइंट इज दैट कि योर गोल शुड बी रीजनेबली आउट ऑफ योर रीच। आपने अगर आपकी बार 85% मार्क लिए है तो आप कोशिश ये कीजिए 90% का नहीं, 95% का आपका टारगेट रखिए, कि ताकि ये क्यों इस तरह से रखना है, क्यों आपका गोल थोड़ा रीजनेबली आपके रीच के बाहर रहना चाहिए, वो इसलिए कि थोड़ा सा रीजनेबली बाहर रहना आपके रीच के, आपको वो जो गोल है वो कंफर्ट जोन में नहीं जाने देता। नहीं तो 85% वाला बोलता है मुझे 85% ही करना है, मार्केटिंग वाला बोलता है मैंने लास्ट ईयर 100 किए ये साल भी 100 करना है, ये कोई, आप कंफर्ट जोन में रहते हैं, आपको मालूम है 100 कैसे करना है, आपको मालूम है 85% मार्क्स कैसे लाना है। अरे भाई उससे 10% आगे जाओ। अब 100 वालों ने ये बोलना मुझे 150 करना है ये साल, मेरा टारगेट 150 का है, 150 का है, या फिर 85% वाले ने बोलना मेरा 95% का है। इससे आप क्या हो जाती है, आपके कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हो और आपको काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा मेहनत देनी पड़ती है, और एक्स्ट्रा मेहनत लेना यही तो गोल सेटिंग का पर्पस है मेरे दोस्तों, अदरवाइज देर इज नो पॉइंट। तो अभी आपने देखा कि आपके जो गोल्स हैं वो राइटिंग में चाहिए, वो प्रॉपरली डिस्प्लेड होना चाहिए, वो स्पेसिफिक चाहिए, और उसके बाद में वो रीजनेबली आपके रीच के बाहर होना चाहिए। अब आपने आपका गोल बना लिया 95% का, या फिर आपने डिसाइड कर लिया कि लास्ट ईयर के मुकाबले मैं आपकी बार लास्ट ईयर मैंने 100 किया था, 100 का टारगेट था मेरा, आपकी बार 150 का, ये मार्केटिंग वालों के लिए। अब 150 का जो आपने टारगेट बना लिया, या फिर इसने जो 95% का टारगेट बना लिया, ये बस ऐसे ही बना लिया मतलब हो गया क्या? अरे भाई करोगे कैसे? अब करने के लिए देर शुड बी सम प्लान, और कोई भी प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे आसान तरीका है वो जो टारगेट है उसका ब्रेकअप करो। ब्रेकअप करो मतलब क्या है कि 95% अगर हमको परसेंटेज मिलाना है कोई स्टूडेंट के लिए, तो आपको क्या करना है, इस तरह से पढ़ाई करना है, रोज आपको महीने में आप देखिए रोज के 4 घंटे, रोज के 4 घंटे के हिसाब से अगर 30 दिन का महीना रहा तो आपका 120 आवर्स। अब 120 आवर्स जो महीने का एक टारगेट हो सकता है, उसको आप थोड़ा ब्रेकअप कर लीजिए। 15 डेज में कितना आएगा आपका, नेचुरली 60 आएगा, 60 आवर्स आएगा। अब 60 आवर्स से आके थोड़ा सा वीकली कर लीजिए 30 आवर्स। आपको इतनी स्टडी करना ही है, आप अपने दिमाग में इस वक्त ये रखिए कि मुझे वीकली 30 आवर्स की स्टडी करना है। वीकली 30 आवर्स की स्टडी करोगे तो मंथली 120 आवर्स, मंथली 120 आवर्स की स्टडी करोगे तो उसी तरह से ईयरली दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। अगर ये ब्रेकअप नहीं रहा तो आप कैसे कर पाओगे? उसी तरह मार्केटिंग में जिनके टारगेट्स हैं उनके लिए जरूरी ये है कि अगर आपको 150 का आपका टारगेट्स है, तो लास्ट ईयर तो आपने 100 ही किया था, तो 150 के टारगेट्स है तो 6 महीने में कितना करोगे, 75। उसके बाद में उसी तरह नीचे आ जाइए, 3 महीने में कितना करोगे, इतने, और 3 महीने से नीचे आ जाओ। इस तरह से वीकली टारगेट बनाओ आप, और इस तरह से क्या हो जाएगा कि हर वीक में आप काम करते रहोगे, एज अ स्टूडेंट हर डे एवरी डे आप लर्न करते रहोगे, आप पढ़ाई करते रहोगे। तो जरूरी यह है आपका जो भी टारगेट है उसका ब्रेकअप जरूरी है। अब ये ब्रेकअप ईयरली से लेके काटते काटते आपको वीकली तक लाना है। फॉर अ स्टूडेंट ये आप डेली बेसिस पे भी करते हो तो भी चलेगा, वीकली आपको अगर 30 आवर्स की अगर पढ़ाई करना है तो डेली कितना आएगा वो आप देखिए, लगभग 4 घंटे आता है, लगभग 4 घंटे का स्टडी रोज का आपका होना चाहिए।
इसी तरह मार्केटिंग वाले ने भी ब्रेकअप करके अपना वीकली टारगेट फिक्स करना, और वीकली टारगेट के एक बार आपका फिक्स हो जाता है ना, तो आप एवरी वीक, वो स्लैक है नहीं है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है, हर वीक में आपको काम करना ही है। इसी तरह स्टूडेंट को हर हर रोज, हर रोज 4 घंटे की स्टडी अपनी करना ही है, पढ़ाई। इज दैट क्लियर? अब दूसरी बात, ब्रेकअप इज मस्ट, देन देर मस्ट बी डेडलाइन फॉर द गोल। दोस्तों ऐसा तो चलेगा नहीं ना कि मुझे 95% मार्क्स मिलाना है। अब सपोज यू आर इन 9th, तो आप बोलेंगे कि मैं ऐसा करता हूँ कि 10th में 95 लेता हूँ, अभी नहीं। अरे तो 10th में लेना है 95%, तो उसको 9th में गोल सेट करने की जरूरत नहीं है ना, वो हम 10th में करेंगे। डेडलाइन शुड बी ऑफ मैक्सिमम 1 ईयर, 1 साल से ऊपर का डेडलाइन की कोई जरूरत नहीं। मार्केटिंग वालों को भी अपना देखना है कि आपको क्या करना है, कौन से महीने में आपको आपका टारगेट पूरा करना है, अब उस हिसाब से फिर आपका ब्रेकअप रहता है। अगर आपने डिसाइड किया कि 12 महीने में करूंगा तो वो ब्रेकअप रहता है। कभी कभी आप ये कोशिश करो कि आप 10 महीने का ब्रेकअप, कि मैं मेरा जो 12 महीने का टारगेट है वो 10 महीने में ही करूंगा। इस तरह से क्या हो जाएगा कि आपका टारगेट जो थोड़ा सा अपना अर्लियर पॉइंट हुआ था वो रीजनेबली आपके आउट ऑफ रीच भी रहेगा और आपको कंफर्ट जोन से वो बाहर भी निकालेगा। तो 12 महीने का जो टारगेट है वो 10 महीने में ही कंप्लीट करना है, ये आप डिसाइड कर लीजिए, और ताकि तभी आप आगे बढ़ पाओगे, राइट? स्टूडेंट्स के लिए भी जरूरी ये है कि अगर आप चाहते हो कि 95% ऐसा ऐसा करना है, तो उससे पहले ही अपने को ये सोचना है कि मैं ये सब किस तरह से करूंगा। ढंग से उसका ब्रेकअप करो, और चाहे तो तुम एक काम कर सकते हो, 1-2% का ज्यादा का टारगेट लो, कम वो 95 तो अपने आप मिलना ही है। वैसे अपने को क्या है, 90 इज ऑल राइट, लेकिन 95 का टारगेट थोड़ा हमारा रीजनेबली आउट ऑफ रीच रखा है, तो वो बराबर अपना आ ही जाएगा, 90 तक तो हम लोग चले ही जाएंगे। इसी तरह मार्केटिंग वालों के लिए भी रहेगा, ठीक है? तो देयर शुड बी डेडलाइन, डेडलाइन के हिसाब से आपको टारगेट रखना है। फिर मार्केटिंग वालों के लिए ऐसा है कि 12 नहीं 10 महीने में आपको करना है, कि आप 10 महीने में उसका ब्रेकअप करो बराबर, तभी आपका हो सकता है। और एक बात, देर शुड बी लैटरल थिंकिंग। लैटरल थिंकिंग का मतलब क्या है दोस्तों? अगर आपको कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है, तो आपको मालूम रहना चाहिए कि कैसा करना है। जैसे मैं अगर आपको बताता हूँ कि आप ऐसा कीजिए, 100 के बजाय आपका जो टारगेट है वो 200 का रखिए, या किसी स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ कि लास्ट ईयर यू गॉट सम 65%, राइट? अब ऐसा करते हैं कि ये साल तुम्हारा टारगेट मैं 95 का रखता हूँ। तो मेरे भाई, पिछले 5 साल से उसने कभी भी 65% से ऊपर उसको मार्क नहीं मिले हैं, 95% का टारगेट कैसा चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? इसलिए कि उसको 95% कैसे स्कोर करते हैं ये मालूम ही नहीं है। हाउ टू गो आफ्टर द टारगेट, ये भी आपको बताना पड़ेगा ना। तो उसके लिए लैटरल थिंकिंग अलग, जैसे 100 आपने किया था, आपका टारगेट था, अभी ये साल आपको 200 करना है। अब 100 से 200 जब आप करना चाहते हो दोस्तों, तो आपने तो कभी किया ही नहीं है, 100 बड़ी मुश्किल से होती है आपकी। अब आप क्या करते हो कि 200 का टारगेट रख लिया है। अब 200 का टारगेट जब आप रखते हो, तो एक बात ध्यान में रखिए कि कैसे करना है ये तो आपको मालूम ही नहीं है, आपने कभी किया ही नहीं है, है ना? तो कोशिश ये करो कि अलग सोचो, किसी और एक्सपर्ट से मिलो कि भाई 100 से 200 करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, तो फिर 200 आपने कैसे किया, उसके लिए क्या मेहनत किया। वैसे ही इधर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो 65% मार्क्स है, उनको अगर उनकी इच्छा कह रही थी 70 करते, फिर 75 करते, 90-95 के लिए क्या है, किस तरह से पढ़ाई करना है। अरे भाई दोस्तों, आपके आजू बाजू में 1-2 जो लड़के हैं उनको 95% मिल चुके हैं, क्या हम आपको उनसे मिलवाएं, या आप खुद जाके उनसे मिलिए? आप जब मिलते हो तब आप समझते हो कि वो तो बड़े आसानी से आपको सब कुछ बताने के लिए रेडी है। अब अगर वो बताने के लिए रेडी है तो हमको क्या प्रॉब्लम है, पूछते हैं ना उन्होंने कैसा किया है। गोल सेटिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि कोई भी बड़ी चीज अगर आपको करना है तो वो कैसे करना है ये आपको मालूम रहना चाहिए, और उसके लिए लैटरल एकदम अलग थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। अब अलग थिंकिंग आपको एक्सपर्ट से मिलेगी, दूसरा तो और कोई चारा है नहीं, या फिर किसी ने जिसने ये सब किया है उससे आप जाके मिलो, ठीक है? अब और आगे की बात, अब 95% लेना है तो मुझे एक बात बताइए, ऐसे ही तो नहीं मिलने वाले हैं, सिर्फ 4 घंटे की स्टडीज पर नहीं मिलने वाले। वो 4 घंटे की पढ़ाई जो है वो किस तरह से करना है, दैट इज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट।
वो कैसे अपने आप को 4 घंटे पूरा 360 डेज मोटिवेट रखना है, दैट इज गोइंग टू बी अ बिग इश्यू। तो ये अपने आप को मोटिवेट रखना ये बहुत बड़ा इश्यू है। अपडेट अपने आप को करना पड़ेगा, सिस्टमैटिक पढ़ाई करना पड़ेगा, अपना नॉलेज अपग्रेड करता रहना पड़ेगा। दोस्तों नॉलेज के बारे में तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप किसी भी फील्ड में रहें दो, स्टूडेंट्स रहें दो, मार्केटिंग में रहो या और किधर भी रहें दो, लेकिन आपको आपका नॉलेज अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप से ये सवाल हर महीने पूछो, हर वीक, एवरी वीक पूछो कि मैंने मेरे नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए ये वीक में क्या किया है, ये मंथ में मैंने क्या किया है। अगर इसका जवाब कुछ भी नहीं आता है तो इसका मतलब ये समझे कि आपने कुछ नहीं किया है। फॉर अ स्टूडेंट ये जवाब आने को होना कि ये महीने में मैंने फिजिक्स के ये लेक्चर्स, सॉरी ये चैप्टर्स किए हैं, उसके बाद में इंग्लिश का मेरा ये हुआ है, संस्कृत का ये हुआ है, मराठी का इतना हुआ है। मतलब देयर शुड बी स्पेसिफिक टारगेट। जो मैंने ब्रेकअप बताया, जो आपने ब्रेकअप लिया था कि ये महीने में इतना होने को होना, तो इतना हुआ है या नहीं, और उसके लिए फिर आपने अपने आप को किस तरह से अपग्रेड किया, अपना नॉलेज किस तरह से बढ़ाया। दोस्तों एक बात क्लियर बता देता हूँ कि अगर नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं अपग्रेड कर रहे हो, तो यू विल बी आउट ऑफ डेट। मार्केटिंग वालों के लिए तो ये बहुत ही क्रिटिकल बात है कि अगर आप लोग अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो आपको रास्ते से हट जाना पड़ेगा। अभी किसी को किसी के लिए समय नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखिए। दूसरे लोगों को आगे जाना है, आप या तो उनके साथ में आगे जाइए, थोड़ा तेज चलिए, या फिर वो क्या करेंगे, आपको धक्का देके बाजू में गिरा देंगे। तो अपने आप को अपग्रेड करना, अपना नॉलेज बढ़ाना, नए नए स्किल्स डेवलप करना, ये आपका काम है। तो दोस्तों आपको भी, जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने आप में स्किल्स नए नए डेवलप करो। आजकल क्या हो गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो गया है, हर जगह से आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो क्यों नहीं हम वहाँ उस इन्फॉर्मेशन का फायदा लेते हैं। जो आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो तो आप पढ़ो ही, लेकिन इफ यू वॉन्ट टू गैदर सम एक्स्ट्रा नॉलेज, तो उसके लिए थोड़ा सा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो अवेलेबल है, नेट है, यूट्यूब है, इससे कुछ आपको मिलता है क्या, वो देखिए। एक्स्ट्रा नॉलेज अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अपडेट कीजिए, तो ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि दोस्तों ये इतना बड़ा पीरियड है, साल भर का पीरियड है। अब ये साल भर के पीरियड में अपने आप को मोटिवेट रखो, ब्रेकअप करो, ब्रेकअप के हिसाब से चलो, कंफर्ट जोन में भी नहीं रहना है अपने आप को, अपने आप को मोटिवेट करके रहना है। ये बहुत बहुत, इट्स अ बिग हेल ऑफ अ जॉब, तो ये आपको लेकिन करना पड़ेगा। अब इसके लिए कैसा करना है, अब पहली बात तो अपने आप को मोटिवेट करो। अब इतना सारा अब आप आपने नॉलेज अक्वायर कर लिया है, सब कुछ लेटरल थिंकिंग आपका चालू हो गया है, आपके गोल्स जो है वो लिखे हुए हैं, स्पेसिफिक है, दे आर प्रॉपरली डिस्प्लेड, आप उनको रोज देखते हो, वो ब्रेकअप बना लिया है आपने, अब इसका मतलब है कि यू आर ऑन द राइट पाथ, अब तुम सही अच्छे ढंग से आगे जा रहे हो, अब सिर्फ इतना ही करना है। लेकिन तब भी हमारे लाइफ में ऐसे मौके आते हैं कि जब लोग हम हमारे लिए ये इस तरह से मोटिवेट रहना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो मोटिवेट रहना फिर डिफिकल्ट हो जाता है, तो क्या करना पड़ता है, किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। अब ऐसे वक्त क्या करना है दोस्तों, कि जो आपके सबसे नज़दीक के लोग हैं, आपके बहुत करीब के दोस्त हैं या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी हेल्प लो, उनको बोलो कि मेरा जो टारगेट है उसमें थोड़ा कम पड़ रहा हूँ, मोटिवेशन फील कर रहा हूँ कि मुझे ज़रूरी है, तो आर यू प्लीज़ हेल्प मी। जैसे स्टूडेंट्स हैं, अब स्टूडेंट्स को अगर 4 घंटे का पढ़ाई करना है तो उसने डिसाइड कर लिया है कि आई विल गेट अप एट 5 o'clock, अब मुझे सुबह 5 बजे उठना है, और वो नहीं उठ पा रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, सुबह या तो आलसी हो गया है, या सुबह ठंड बजती है, या और देर आर सो मेनी रीजंस। आप यू टेक हेल्प ऑफ योर मदर, योर फादर, तुम्हारे भाइयों की हेल्प लो, बहन की हेल्प लो, उसको बोलो मुझे सुबह 5 बजे उठना है, मतलब उठना है, अगर मैं नहीं भी उठता है तो मेरे मुंह पे पानी डाल दो ताकि मैं 5 बजे उठूंगा। दोस्तों दिस इज द ओनली वे आउट। मार्केटिंग में जो लोग काम करते हैं उनके लिए जरूरी है कि अगर हम हमारा वीकली टारगेट, हमारा मंथली टारगेट नहीं पूरा कर रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों की हेल्प लो, आपके बॉसेस की हेल्प लो, आपके बॉसेस को ये कहने दो कि क्या हुआ ये वीक में, क्या हुआ ये मंथ में, किया या नहीं किया। आपकी वाइफ को बोलो कि मुझे टोकती रहे, अगर वो आपको टोकती है कि क्या हुआ ये वीक में, किया क्या ये हफ्ते में, किया क्या ये फोर्टनाइट में, हुआ आपका ये मंथ में, नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ, बुरा मत मानिए। अगर वो टोकती रहेगी तो आप काम करते रहोगे, वरना अदरवाइज आप काम नहीं कर पाओगे।
दोस्तों कहना ही मेरा ये है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर चीज अगर हम अपने आप ही कर लेते तो किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती हमारी लाइफ में। आपके कोचेस हैं, उसके बाद में आपके दोस्त हैं, आपसे जो मेंटोर है आपके, किसी से भी हेल्प लो, लेकिन अगर नजदीक फैमिली वाला रहा, कोई डियर वन नियर वन रहा, फैमिली वाला रहा, तो क्या करता है कि वो, उसको फिक्र रहती है कि आपने आपका गोल जो सेटअप किया अपने लिए वो आपने कंप्लीट करना ही है, इसलिए वो आपके पीछे लगता है, और वो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन, वो भी बहुत अच्छा मोटिवेशन है दोस्तों। तो ऐसे लोगों की आप हेल्प लो और तभी आप मोटिवेट रह पाओगे, वरना अदरवाइज सिचुएशन साल में कहीं महीना 2 महीने ऐसे आ जाती कि हम मोटिवेट नहीं रहते, और एक बार हम उस महीने में हमारा ट्रैक छोड़ दिए, उस महीने में मार्केटिंग वालों ने अपना ट्रैक छोड़ दिए या फिर स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई का ट्रैक बदल दिया, तो एकदम वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, इतनी बड़ी गैप क्रिएट हो जाती है, और वो भरना आपके लिए बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए ये गैप मत क्रिएट होने दो, इसके लिए जिसकी चाहे उसकी हेल्प लो, लेकिन अब ऐसा अगर आप कर पाओगे तो ये आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स आपको मोटिवेटेड रखेंगे और आप आपके टारगेट्स बड़े आसानी से एकदम कैलकुलेटेड मैनर में पूरे कर सकोगे। सो एज अ स्टूडेंट और एज अ मार्केटिंग पर्सन, ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि गोल सेटिंग के सिवा कोई लाइफ नहीं है। आप सोच के देखिए कि कोई गोल आपने लाइफ में नहीं बनाया है, बस दिन भर दिन आ रहा और दिन जा रहा है, कोई ऐसा लाइफ है? आपका लाइफ परफेक्टली ऑर्डिनरी लाइफ रहेगा। अगर आप चाहते हो कि लाइफ में कुछ ना कुछ करें तो आपके लिए गोल सेटिंग इज अ मस्ट। तो दोस्तों आपके लिए मेरी तरफ से ये एडवाइस है कि ये जो भी आज हमने डिस्कस किया है ये गोल सेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने लाइफ में अच्छे अच्छे गोल बनाइए, पर्सनल कैपेसिटी में बनाइए, फैमिली कैपेसिटी में बनाइए, प्रोफेशनली बनाइए, सोसाइटी के लिए बनाइए, और अच्छे गोल्स बनाइए और उसे पूरी करने की पूरी तरह कोशिश करिए। मेरा ये प्रेजेंटेशन में ये कहना है कि मैंने आपको सिर्फ गोल क्या है, किस तरह से बनाते हैं वो नहीं बताया है, आपको गोल क्या है, किस तरह से बनाते हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए आपने क्या क्या करना चाहिए ये भी आपको बता दिया है। अब दोस्तों बस आपको इतना करना है, ये जितने भी हमने आज आपको मेजर्स बताए हैं उसे अप्लाई कीजिए आपके लाइफ के लिए, जो जो आपने गोल सेट कीजिए सो सेट आपने किए हैं उसे कंप्लीट कीजिए एंड लीड अ वंडरफुल लाइफ। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।